नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। डिंडोरी जिले के जनपद महेंद्रवानी मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर पतत पावनी मां नर्मदा का पावन तट ठेला घाट विकास का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि महेंद्रवानी मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर मां नर्मदा का तट ठेला घाट है। मकर संक्रांति में ठेला घाट में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। मां नर्मदा का पावन तट होने के कारण मां नर्मदा के भक्तों सहित बाबा और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। ठेला घाट आने जाने के लिए दुर्गम और पगडंडी वाला रास्ता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जानकारों के मुताबिक पहले महेंद्रवानी, कठौतिया, सरसा, सरसी सहित दर्जनों गाँव के ग्रामीण जन ठेला घाट पहुँचते थे, लेकिन जब से कौसम घाट का विकास हुआ तब से ठेला घाट श्रद्धालुओं का आना जाना कम हो गया है। अगर जवाबदार प्रशासन और जनप्रतिनिधि अगर ठेला घाट का विकास करें तो निश्चित है कि ठेला घाट जनपद क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले में नर्मदा तट के नाम से जाना जाएगा, लेकिन विकास न होने के कारण श्रद्धालु ठेला घाट आने जाने से कतरा रहे हैं। इतनी दुर्गम जगह है, ना ही यहाँ तो कोई मोबाइल का रेंज है, ना ही यहाँ कोई मानुष का रेंज इसलिए नहीं है कि यहाँ आने जाने की सबसे दुर्गम जगह है। और इतनी भारी तीर्थ है, आज 100 साल पुराना कोई संत यहाँ पर रह करके तपस्या किया, उसका ये जगह जो निर्माण अभी तक संत लोग चला रहे हैं, किस प्रकार चला रहे हैं, यहाँ के रहने वाले भी किस प्रकार रह के अपना जीवन यापन करके इस जगह को आने जाने वाले परिक्रमावासी आते हैं यहाँ से कम छाँव मिलता है जंगल में। अगर ये महेंद्रवानी विकासखंड के कोई जवाबदारी या समझदार कोई ऐसे जनता या कोई भी मूर्ति हो और यहाँ ध्यान दे दे तो कुछ नहीं तो ये दुर्गम जगह से कुछ रोड वोड का साधन बन जाए तो आने जाने वाले जो तीर्थयात्री दर्शनगण हैं उनको सुविधा मिल जाए, क्योंकि यहाँ 50 गांव का आने जाने का यही घाट है। ये रोड बनने में महेंद्रवानी तक जाने में हमको बहुत सहूलत बन जाएगी। यहाँ से क्या है कि बिल्कुल नज़दीक में है, यहाँ से मरही के सरोजपुरा से हम ठेला घाट ना गए तो महेंद्रवानी तक के लिए हमें बिल्कुल रोड चाहिए। और कोई भी यात्री लोग आते हैं तो नहाने धोने तब आते हैं तो उन भाई अब उनको भी चाहिए, तो हमको रोड चाहिए।